नेस्ट रिजल्ट घोषित, आईसीएमआर एंजिल में बम्पर भर्ती, जोसा काउंसलिंग में सीएसएआई और डेटा साइंस का क्रेज। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं नेस्ट रिजल्ट की। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट यानी नेस्ट के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट nestexam.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि नेस्ट की ओर से 28 से 30 जून तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था। दर्ज की गई आपत्तियों के निराकरण के बाद अब उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है। नेस्ट में सफल विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से सुनहरे भविष्य की मंगल कामनाएं। अब बात करते हैं आईसीएमआर एंजिल में बम्पर भर्ती की। नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी एंड माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस यानी आईसीएमआर एंजिल ने कुल 68 पदों पर तकनीशियन, प्रयोगशाला सहयोगी और अन्य रिक्तियों की घोषणा की है। उम्मीदवार को 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री पास होना आवश्यक है। आवेदन दिनांक 28 जुलाई तक ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। उम्मीदवार को सलाह दी जा रही है कि आप विशेष जानकारी के लिए jalma-icmr.org.in पर जाकर विजिट करें। जोसा काउंसलिंग में सीएसएआई और डेटा साइंस का क्रेज। देश की आईआईटी एनआईटी समेत 116 संस्थानों की 57,182 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग में अभी तक छात्रों में कंप्यूटर साइंस यानी सीएस, एमएनसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ब्रांच का बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। इस वर्ष शीर्ष 9 आईआईटी में एमएनसी की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक यानी AIR 1030, AI ब्रांच की क्लोजिंग AIR 895, डेटा साइंस की क्लोजिंग AIR 993, कंप्यूटेशन मैकेनिक्स ब्रांच की क्लोजिंग AIR 1160 रही है। तो दोस्तों, यह तो थी विद्यालाइव के आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। मैं हूं कुमार विजेंद्र। विद्यालाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है। बस आप विद्यालाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्यालाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalife.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।